वेलकम टू गुरुकुल। आज हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के एक बहुत ही ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक की नाउन। आई थिंक ये जो टॉपिक मैंने ये जो सीरीज किया है ये ना सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, इवन अगर आप एकेडमिक्स की स्टडी कर रहे हैं 10th 12th या कोई भी क्लासेज के लिए उसके हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम 3rd class से ही पढ़ते आ रहे हैं और 12th class तक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर व्हाट इज नाउन, और आप सभी को पता है कि संज्ञा क्या होती है। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण कार्य या अवस्था के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, प्लेस के हिसाब से जैसे दिल्ली, मुंबई, थिंग के हिसाब से पेंसिल या टेबल। अब यह मुझे बताने की जरूरत नहीं कि नाउन कितने टाइप का होता है, आप सभी को पता है 5 types। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब आपको पता ही है कोई स्पेसिफिक किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है, लाइक राम, दिल्ली, गीता। कॉमन नाउन, इसमें किसी वर्ग या जाति के लिए व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। कॉमन जो मतलब सब एक कॉमन होते हैं, लाइक हम सभी की जाति, जैसे किंग, राजा, बॉय, लड़का, गर्ल, सिटी, इसमें कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, इन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं, जिसमें हमें ये बोध होता हो कि वहाँ पर कुछ समूह है, कोई ग्रुप है, जैसे कि टीम, कमेटी, आर्मी। जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पेस्चर, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। मटेरियल नाउन हम उन्हें कहते हैं पदार्थवाचक या आप द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं इसे, जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, ये एक प्रकार के पदार्थ होते हैं। जो 5th प्रकार की नाउन होती है वो होती है भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम कुछ अपने फीलिंग्स, क्वालिटी, कुछ एक्शंस, कुछ स्टेट ऑफ माइंड, उनको हम व्यक्त करते हैं, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, ओनली फील किया जा सकता है, लाइक ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैट्रिड, लाफ्टर, पॉवर्टी, यूथ, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। तो गाइज अब हम इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करते हैं जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, काफ़ी इजी है, इसके आई थिंक काफ़ी कम रूल है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आप जो इंग्लिश में जो आपके एरर आते हैं, एरर वाले क्वेश्चन काफ़ी आप इजीली से कर पाएंगे। तो रूल नंबर 1 पढ़ते हैं चलिए हम। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें हम सिंगुलर नहीं बना सकते। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। आपको पता होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर होते हैं एकवचन, प्लूरल होते हैं बहुवचन। लेकिन अब आपको पता है जैसे अगर मैं कहूँ बस, तो बस, बी यू एस, बस, ये एक सिंगुलर है। अगर मैं कहूँगा मेरे पास बहुत सारी बसें, तो आप कहोगे बसेज, तो हम ये करते हैं नंबर्स करते हैं जिनके अंदर हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं, तो सेम ऐसे ही। बट ये रूल ये कहता है कि इनके अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें आप सिंगुलर नहीं बना सकते। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल होता है। जैसे कि सीजर्स, सीजर्स आपको पता है कैची होती है, मतलब अगर आपके पास एक कैची है या 10 कैची है तो आप ये नहीं कहोगे आई हैव अ 1 सीजर्स, आई हैव अ 10 सीजर्स, नहीं, आप सब जगह हर वक्त यही प्रयोग करोगे आई हैव अ सीजर्स, आई हैव अ 10 सीजर्स। इसी प्रकार और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप देख सकते हैं जैसे टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास एट्सेट्रा, जो भी है। ये आपको सभी वीडियो पॉज करके आप नोटबुक और पेन हमेशा लेके बैठें, वीडियो पॉज करके ये रूल लिख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये रूल याद करने का तरीका याद ऐसे नहीं होंगे, आप इनको डेली 1-2 times इनको आप सिर्फ रीड आउट कीजिए, मैं लर्न करने के लिए भी नहीं कहूँगा, आप रीड करेंगे तो आपको ये सारे मीनिंग्स और जो भी नाम है ये आपको दिमाग में आपके सेव हो जाएंगे, देन आप इनका यूज कर पाएंगे। हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। मतलब ये दिखने में आपको लगेंगे कि ये प्लूरल है बट ये होते सिंगुलर है और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे कि न्यूज, अब मैं कहूँ कि आज मैंने एक न्यूज सुनी, तो मैंने चाहे एक न्यूज सुनी हो चाहे 10 न्यूज सुनी हो, न्यूज न्यूज ही रहेगी, इसके पीछे एस लगता है। लाइक इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एट्सेट्रा, आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी है इसमें, नो न्यूज इज गुड न्यूज, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कि कैटल, कैवेलरी,
इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल एटसेट्रा। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगता। जैसे कैटल्स, चिल्ड्रंस, अगर आप ये लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये दिखने में बेशक आपको सिंगुलर लगे, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? प्लूरल में। लाइक कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। रूल नंबर 4, कुछ नाउंस का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउंस है। इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ये नाउन जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। देखिए, नाउन भी एक टू काइंड भी होते हैं, नाउन के काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड। सो ये जो यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं ये है अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस एटसेट्रा, आप नीचे देख सकते हैं काफ़ी वर्ड्स हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। अगर अब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये जो आपको सेंटेंस दिया होगा इसी के बीच में आपको इन्फॉर्मेशंस लिखा जाएगा, और आपको पता है इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही होता है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, इन शब्दों के साथ कभी भी एस नहीं लगता और न ही आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। रूल नंबर 5, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में ही एक रूप में होते हैं। अब ये वाला रूल ये कहता है कि प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकते हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे दस हो। लाइक डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एटसेट्रा। लाइक एग्जाम्पल, आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर आप इज और आर देख सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों ही टाइप में इसको यूज कर सकते हैं टीम को। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, कुछ नाउन्स जो अर्थ में प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण लाइक कुछ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। जैसे कि पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, हंड्रेड, डजन एटसेट्रा। जैसे कि आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज, आई हैव 200 रुपीज ओनली। इसी प्रकार दो और इसके एग्जाम्पल है, लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है। जैसे कि डजन्स ऑफ वोमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज एटसेट्रा। एग्जाम्पल लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। एग्जाम्पल 2, ही डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवास्टेटेड। ये रूल ये कहता है कि जैसे प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है और नाउन वही रिपीट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आफ्टर, अपॉन, टू और आफ्टर, यह तीनों प्रीपोजिशन है। इससे पहले जो नाउन यूज हुई है वो टाउन हुई है, तो इसके आने वाली नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। यहाँ टाउन आफ्टर टाउन्स नहीं हो सकता, टाउन आफ्टर टाउन ही होगा। सेम ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में रो अपॉन रो, तो रो अपॉन रोज नहीं होगा, और एग्जाम्स में आपको सबसे ज़्यादा गलती इसी की देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो गाइज ये था नाउन। अब हम बात करते हैं जेंडर की, टाइप्स ऑफ जेंडर। आपको पता होना चाहिए जेंडर कितने टाइप का होता है। जेंडर 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलीन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। अगर आप इन्हें हिंदी में कहें, हिंदी में आप इन्हें पुलिंग कह सकते हैं, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। तो काफ़ी सारे, खासकर जो पुलिस के एग्जाम्स होते हैं लाइक हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा यह पूछे जाते हैं। तो हम जेंडर की बात करते हैं, कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ई एस एस लगाने से फेमिनाइन नाउन बनाया जा सकता है, मैस्कुलिन से फेमिनाइन। ये मुझे आई थिंक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको नोटबुक में इनके मैस्कुलिन साइड लिखिए पहले, देन आप खुद ही इनकी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको इनके फेमिनाइन कितने आते हैं कितने नहीं। एग्जाम्स में आपके पास काफ़ी बार 4 ऑप्शन आते हैं, जब आपको नहीं आए तो आप यह देख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको रूल नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, तो आपको पता होना चाहिए प्रिंस का प्रिंसेज होता है, एक्टर का एक्ट्रेस, हंटर का हंट्रेस, एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस,
इट मीन्स ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। इनकी रूल आपके पास में लिखे हुए हैं, सामने आप वीडियो को पोज करके इनको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश अपना अच्छा करना है, खासकर ग्रामर पोर्शन, तो ये जो मैस्कुलिन लिखे हुए हैं आप इनको सिर्फ नोट डाउन कीजिए, और फेमिनाइन आप खुद से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, खुद से इनके आंसर लिखिए पहले। देन उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपको इसमें से कितने आते हैं और कितने नहीं। सेम ऐसे ही रूल नंबर 3, जैसे कि आप देख सकते हैं, एम्परर एम्प्रेस, गवर्नर गवर्नेस, ड्यूक डचेज, गॉड गॉडेस, मास्टर मिस्ट्रेस। रूल नंबर 4 भी आप देख सकते हैं, मैन सर्वेंट मैड सर्वेंट, वॉशरमैन का वॉशरवुमैन, बक रैबिट डोर रैबिट, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, काफ़ी ईजी आप कर सकते हैं ईजली। रूल नंबर 5, कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं जिनको मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर दिए गए हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर तो एडमिनिस्ट्रिक्स, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिक्स, लैड लैस, सेम ऐसे ही। अब हम बात करते हैं नंबर की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, नंबर 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। रूल नंबर 1 है इसका कि कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। बॉय गर्ल काइट टेलीफोन, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काइट का काइट्स। रूल नंबर 2, जिन नाउन के अंत में एस 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 सी एच एस एच जेड या एक्स आता है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है, जैसे कि बस का बसेज, फॉक्स का फॉक्सेज, वॉच का वॉचेज, स्विच का स्विचेज, स्टमक का स्टमक्स, लॉकस लॉकी, रेडियस रेडी, ऑक्स ऑक्सन। रूल नंबर 3, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है, उससे पूर्व कोई व्यंजन हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस लगाते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनको जो इनका राइट हैंड साइड है वो आप लिखिए, देन उसका आप खुद ही आंसर कीजिए कि सिंगुलर का प्लूरल क्या होगा या प्लूरल का सिंगुलर क्या होगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बेस्ट है। सेम ऐसे ही रूल नंबर 4 है कि यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोवल लग जाए तो प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में लगे एस को लगा दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। रूल नंबर 5 यह कहता है कि यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पूर्व कोई व्यंजन आता है तो वाई की जगह आई ई एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। ये भी आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 6 रूल, यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पूर्व कोई वोवल आता हो तो एस लगाने से इसका प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर 7, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं काफ का काल्व्स, वाइफ का वाइव्स, वुल्फ वॉल्व्स, लीफ लीव्स, और भी एटसेट्रा काफ़ी एग्जाम्पल है। रूल नंबर 8, कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है, जैसे ब्रदर इन लॉ को आप कहोगे ब्रदर्स इन लॉ, बेडरूम को बेडरूम्स, कमांडर इन चीफ को कमांडर्स इन चीफ, और भी काफ़ी एग्जाम्पल है इसके। रूल नंबर 9, निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉल्स में परिवर्तन करते हैं, मैन का मीन, फुट का फीट, माउस का माइस, गूज का गीज, एटसेट्रा। रूल नंबर 10, निम्नलिखित नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए ई एन जोड़ते हैं, जैसे चाइल्ड के साथ चिल्ड्रन, ऑक्स के साथ ऑक्सन। तो गाइज ये था, इसमें मैंने आपके 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, नाउन जेंडर एंड नंबर। देन इसके बाद आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए। आप देख सकते हैं कि जैसे 1 से लेकर 10 तक आपको सेंटेंस दिए गए हैं, एग्जाम्स में आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं एरर के क्वेश्चंस, तो आपको यह आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें से राइट है कौन सा नहीं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।